अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन में विजन टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शहरयार शेख और मेरे साथ मौजूद हैं उनसा क्यानी। और नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं पार्क चैनल फ्रेंडशिप सेंटर में, जहां पर 10वां सालाना कौमी किताब मेला मुनक़िद किया गया है, जिसमें हमारे मुल्क के बहुत सारे नामवर राइटर्स ने पार्टिसिपेट किया है और इस इवेंट को 4 चांद भी लगाए हैं। जी शहरयार, जो आपने बात की, यहाँ पे जो हमारे राइटर्स हैं उन्होंने अपनी बुक्स भी डिस्प्ले किए, तो आइए यहाँ पे मौजूद जाके लोगों से और ख़ास तौर पे राइटर्स से जानते हैं कि इस तरह के जो किताब मेले लगाए जाते हैं हमारी यूथ के लिए और आवाम के लिए कितने ज़्यादा फ़ायदा मंद होते हैं, आइए जानते हैं। तो जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ बहुत ही मारूफ और मशहूर राइटर मौजूद हैं, अजमल नियाजी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक ही है तकरीबन। अच्छा सर, मैं आपसे जो सवाल करना चाहूँगा कि इस जो ये कौमी बुक मेला जो एक मुनक़िद किया गया है यहाँ पर, तो आपका क्या कहना है इस बारे में, किस तरह से ये फ़रोग मिलता है बुक्स को या फिर एक नॉलेज को या फिर इंफॉर्मेशन को ये हमारी जो आवाम है उस तक कन्वे करने के लिए, और क्या फीडबैक मिलता है, और आपको लगता है इस दिस काइंड ऑफ जो फेस्टिवल्स हैं ये एक हेल्पफुल हैं और बेनिफिशियल हैं आवाम के लिए भी और हमारे लिए भी और आपके लिए भी? तो हमारा कल्चर है, मैं समझता हूँ कि किताब मेला जो है ये बड़ी अनोखी बात है और बड़ी अच्छी बात है, और इस तरह से लफ्ज़ और ख़्याल का कल्चर जो है उसको प्रमोट करने की बात है। मैं आपको एक जुमला सुनाऊं कि किताबें घरों की तरह होती हैं, उनमें रहना चाहिए। वाह वाह जी वाह। और एक और बात मैं आपसे करूं, मुझे मालूम नहीं कि आपको ये बात कैसी लगेगी, लेकिन मैं ये पॉजिटिव लहजे में बात कर रहा हूँ कि ये कायनात औरत के जमाल और कमाल की वजह से खूबसूरत है, और किताब भी मुअन्नस है इसलिए हमें पसंद है। सर बहुत अच्छा, सर बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम जी। वारसाम, क्या हाल है सर आपका? ठीक, अल्लाह का शुक्र। सर कौन आपके नाम से वाकिफ नहीं है, सब लोग ही आपको जानते हैं माशाल्लाह, पीटीवी के जो मुशायरे होते हैं उनमें उसकी वजह से बहुत से लोग आपको जानते हैं, तो आज जो यहाँ पे कौमी किताब मेला लगाया गया है इसमें लोगों की इतनी ज़्यादा पार्टिसिपेशन है, तो आप अब भी देखते हैं कि लोगों में किताबें पढ़ने का शौक़ है? ये तो अजर मिनश शम्स है कि ये लोग जो हैं किस लिए आए हैं, ज़ारे 185 बुक स्टॉल लगे हुए हैं जहाँ 40% रियायती कीमत पर किताबें मिल रही हैं, हर मौजू पर अंग्रेज़ी, उर्दू, चीनी, फारसी, हर तरह की किताब मौजूद है, तो लोग इस किताब के लिए आते हैं, लेकिन हमने उसको एक इल्मी माहौल ज़रूर दिया है कि उसके साथ किड्स रिपब्लिक के नाम से मैराथन प्रोग्राम हो रहे हैं, बच्चों के प्रोग्राम चल रहे हैं, तो ये स्कूल के बच्चे आप देख रहे हैं, इसी तरह ऊपर पूरे मुल्क से 150 से ज़ायद सफ़ीरान किताब बुक एम्बेसडर्स हमने बुलाए हैं, नामवर मुसन्निफ़ीन दानिशवर जिन्हें लोग मिलना चाहते हैं, जिनकी किताबें पढ़ी जाती हैं, फिर इसके अलावा बैरून मुल्क से हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो यहाँ आए होते हैं उनको भी हम केटर करते हैं, वो भी आए हुए हैं जो राइटर हैं मुसन्निफ़ीन हैं, तो इस तरह से ये एक चलता है कि लोग आते हैं, मुख्तलिफ प्रोग्रामों में भी शरीक होते हैं और किताबें भी खरीद कर ले जाते हैं। सर बस एक चीज़ जो यहाँ पे है कि आज के दौर में हर चीज़ आपको आपके स्मार्टफोन में मोबाइल में मिल जाती है, जो गैजेट्स हैं हमारे पास, उसके बावजूद इस किताब मेले में इतनी ज़्यादा एक्टिविटी और इतनी गैदरिंग देखने को मिल रही है, मतलब आज के लोग भी जो है ना बुक्स पढ़ते हैं, इसमें इंटरेस्ट जुड़ते हैं। सर अगर आप कोई अपना एक शेर सुना दें हमें। चलें, एक ही याद है जो ताज़ा सा, मेरी जेब में जितनी भी ये गोलियाँ हैं सब हर्बल हैं, आजकल हर्बल का बहुत ज़्यादा दौर है, मेरी जेब में जितनी भी ये गोलियां हैं सब हर्बल हैं, फ़ायदे इनके पूछते हो तो सैकड़ों हैं पर वर्बल हैं। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, आपका नाम? मोहम्मद अफाफ। अच्छा अफाफ, मुझे ये बताएं कि जो कौमी किताब मेला यहाँ पर जो मुनक़िद किया गया है, तो क्या कहना है आपका इसके बारे में कि ये एक अच्छा रिसोर्स है जो हमारी जो एक यूथ भी है और इसमें मेच्योर लोग भी आ जाते हैं उनको लेकर के एक इंफॉर्मेटिव चीज़ है, और इनफैक्ट आप खुद भी स्टूडेंट हैं। हाँ जी। तो डू यू रियली थिंक कि ये आपको शौक है या आपको लगता है ये चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल है, आपको फ़ायदा पहुंचाती है? डेफिनेटली एक ऐसा रिसोर्स है जहाँ पे सारे मतलब आपके पास जो स्टूडेंट से ले कि आपका मैच्योर लोग आते हैं, और यहाँ पे आप देखें आपका दौर जो चला है डिजिटल दौर है, इसमें आपके पास नेट पे सब कुछ मिलता है, फिर भी लोग हैं, इंटरेस्ट की बात होती है, आपको यहाँ पे मिलता है, मतलब डिफरेंट किस्म के यहाँ पे स्टॉल्स हैं और यहाँ पे आपको चीज़ें मिलेंगी, तो मतलब आप जो आएँ आपके इंटरेस्ट की बात है, यहाँ से डिफरेंट बुक स्टॉल्स लगाए हुए हैं, डिफरेंट लोग आए हुए हैं, तो अच्छी बात है। तो आप मुझे बताएं आपका भी इंटरेस्ट है, मतलब कि आप बुक्स पढ़ते हैं? डेफिनेटली पढ़ते होंगे तो इधर आए हुए हैं। हाँ जी मैं पढ़ता हूँ। किस तरह की, किस टाइप की बुक्स पढ़ते हैं आप? देखिए
बुक्स में साइंटिफिक आ जाती हैं, हमारे पास इसमें स्टोरीज़ की आ जाती हैं, नॉवल्स आ जाती हैं, उर्दू की हमारे पास इतनी अच्छी नॉवल्स हैं, इंग्लिश के हमारे पास हैं, तो आप किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट हो सकते हैं। शेर व शायरी का शौक नहीं है? नहीं, शेर व शायरी में इतना शौक नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों? बस बहुत लोग करते हैं शेर व शायरी, हम कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं। डिफरेंट तो करना चाहते हैं, लेकिन बंदे के इंटरेस्ट की बात होती है ना, बंदा कहता है यार चलो शेर व शायरी भी हो जाए ना, थोड़ा ज़रा रूह को कहते हैं ना, रूह की गज़ा होती है ऐसी चीज़ें। नहीं, उसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मेरा तो साइंस की तरफ और नॉवल्स की तरफ है बस। So nice of you, thank you so much. जी नाज़रीन, अभी हमारे साथ मौजूद है रुखसाना नाज़ी जो कि शायरा हैं, इनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि वो इस कौमी किताब मेले को कैसे इंजॉय कर रही हैं। यहाँ पे आपने अपनी बुक्स भी डिस्प्ले में के लिए रखी होंगी, तो लोगों की कितनी पार्टिसिपेशन आप इसमें देख रही हैं? जी एक तो मैं जो हूँ, सबसे पहले तो मैं विजन आपके चैनल का शुक्रिया अदा करती हूँ कि तमाम अदीब शायरों को और तमाम पब्लिक को आप लोग प्रमोट कर रहे हैं और कवरेज दे रहे हैं, तो इससे भी बहुत ज़्यादा शायर और अदीब जो है वो लोगों को देखने को और सुनने को मिलेंगे, इसलिए आपका आपके चैनल का बहुत शुक्रिया जी। अच्छा मुझे ये बताएं कि आज के दौर में यूथ जो है ख़ासतौर पे वो बुक्स नहीं पढ़ती बिल्कुल, तो आप कैसे, मतलब आपको लगता है कि हमें यूथ को बुक रीडिंग की तरफ जो है ना लाना पड़ेगा, किस तरह से हम लाएँ, क्योंकि जो चीज़ हम बुक में पढ़ते हैं वो हमेशा याद रहती है, तो कैसे यूथ को इस साइड पे लाया जा सकता है? देखिए यूथ जब पहले तो वो पढ़ के सब्जेक्ट में भी आपको पता है शायरी तो है, गालिब है, दाग है, अभी नए शोरा हैं, अल्लामा इकबाल है, उसको यूथ पढ़ के ही आती है ना, लेकिन यूथ पढ़ती है और यूथ पढ़ेगी इसलिए कि अभी आगे चल के जैसे हम ये किताबी मेले लगा रहे हैं, ऐसे प्रोग्राम अरेंज कर रहे हैं कि जिसमें किताब को पढ़ा जाए और यूथ इस चीज़ों को, आप देखिए फेसबुक पे भी आपको शायरी मिलेगी, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो यूथ पढ़ती है, तो वो भी एक तरीका है कि आपको इंटरनेट पे भी मिल रहा होता है, आप किताब के तरीके से भी पढ़ते हैं, आप शायरी में भी पढ़ते हैं, तो आप किताब से और अदब से अलग नहीं रह सकती यूथ, क्योंकि यूथ को अगर आगे बढ़ना है तो उसको अदब की तरफ आना है और उसको शायरी की तरफ आना है, उसको मुतायला करना है किताबों का, क्योंकि आप इंटरनेट पे चंद नमों के लिए पढ़ते हैं लेकिन आपको जब भी ज़रूरत पड़ती है, और तभी कोई भी मुल्क है वो तब तरक्की कर सकते हैं जब आप किताब से दोस्ती करते हैं, किताब को पढ़ते हैं, तो यूथ किताब को पढ़ेगी और पढ़ रही है, और मेरा ख्याल है कि यूथ में अब अवेयरनेस आती जा रही है, वो भी इस किताब की तरफ रागब हो। अच्छा एक चीज़ मुझे बताएं कि आप शायरा हैं तो आप जब लिखती हैं वो क्या सोच के आपके माइंड में क्या होता है कि आप शेर लिखते हैं? एक तो मैंने ये सुना है कि जो शायर होते हैं बिल्कुल खामोशी में सुकून में लिखते हैं, लेकिन कोई उनके माइंड में कोई चीज़ होती होगी, कोई सोच होती होगी जिसकी वजह से वो लिखते हैं? ऐसा है कि पहले तो होता था ना कि कोई दिल टूटा हो तो बंदा शायरी करता था, शायर शायरी लिखते थे, लेकिन अभी जो है वो शोर तो है लेकिन शोर बड़ा अजीब सा है, आप देख लें जो हालात जा रहे हैं, मुल्की हालात जा रहे हैं, जिस तरह टेंशन है, जिस तरह महंगाई है, जिस तरह मसाइल पैदा हो चुके हैं, इसमें भी शायर शोर में भी लिखता है और लोगों की चीख सुन रहा है, लोगों की आवाज़ सुन रहा है, तो अब वो शायर वो तन्हाई वाला एक दरिया के किनारे या पेड़ के नीचे बैठ के नहीं लिख रहा, क्योंकि शुरू में आप मोहब्बत की शायरी करते हैं, आपको कोई मसाइल नहीं होते, और जैसे जैसे आप मसाइल में गिरते जाते हैं, आप बड़े होते हैं, तो फिर आप माशरे की शायरी करते हैं, अपने मुल्क के लिए शायरी करते हैं, तो वो अब वो शोर में भी हम लिख रहे हैं और शोर में हम चाह रहे हैं कि इस शोर में बताया जाए कि मुल्क की कैसे दफा करना है, हमें बहुत सारी मुश्किल हैं, दुश्मन मुल्क हमारे ऊपर घेरा डाले हुए हैं, तो हमें अपने मुल्क को बचाना है, तो हम ये भी लिख रहे हैं कि शोर में भी हम पाकिस्तानी, हमारा पाकिस्तानी मुल्क कितना अमन का और मोहब्बत का पैगाम दे रहा है। मैडम आपने जो लिखा उसमें से कोई एक शेर सुना दें अपना जो आपने लिखा है। जी मैंने एक शेर लिखा था कि एक दिया और शबे रहे गुजरा रख देना, मेरे सर को भी सरे नोके सिना कर रख देना, और मेरे हमदम ये मेरा दिल है कुशादा बेहद, गम जहाँ से भी मिले उसको यहाँ रख देना। वाह वाह ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। तो जनाब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नवीद अमान खान साहब, सर कैसे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच, मैं ठीक हूँ, अल्लाह का बड़ा करम है। सर क्या कहना चाहेंगे आप इस 10वां जो कौमी किताब मिला है इस बारे में कि माशाल्लाह आप खुद भी राइटर हैं और किस तरह कॉन्ट्रीब्यूट आपने किया है इस एक एग्जीबिशन को लेकर और इस जो किताबी मेला है इसको लेकर, आपको क्या लगता है कि आवाम का क्या फीडबैक है इसको लेकर? माशाल्लाह मुझे बड़ी खुशी हुई, पहले हम ये देखते थे कि मुख्तलिफ किस्म की एग्जीबिशंस लगती थी, मेले लगते थे तो पाकिस्तानी उसमें बहुत बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करते थे, ख़ासतौर पर जो खाने पीने के की अशिया के मेलों में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन होती थी, लेकिन मुझे यहाँ पर आके बतौर बुक राइटर, बतौर ऑथर इतनी खुशी हुई है ये देख के
कि यहाँ पे आप समझें कि तिल धरने की जगह नहीं है, लोगों का इतना इंटरेस्ट है और ये रुझान हमारे लिए बहुत हौसला अफजा है। मैं तो इस रुझान को मज़ीद बढ़ाने और इसकी तरवीज की कोशिश में मैं हर वक्त लगा रहता हूँ। किताब हमारे मुल्क को, हमारे मुआशरे को, हमारी कौम को दूसरी अकवाम से कंपेटेबल करने में हेल्पफुल है और हमें साइंसी तालीम हासिल करनी है, हमें जदीद तालीम हासिल करनी है, हमें अंग्रेज़ी तालीम, हमें दूसरी ज़ुबानों में जितना भी इल्म और अदब मौजूद है वो हासिल करना है ताकि हम दूसरी अकवाम का मुकाबला कर सकें। और हमें तो पूरी कायनात को मुसख़र करने का कहा गया है, तो ये तभी मुमकिन है जब हम इल्म हासिल करें। बिल्कुल सर, ऐसा तो है, लेकिन सर मेरा इसी के साथ जो एक और सवाल है वो ये है कि देखें, आप भी जानते हैं बखूबी इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि डिजिटल मीडिया का दौर आ रहा है, तो आपको लगता नहीं कि क्या ये चीज़ आपकी जो एक रिटर्न आपका जो मटेरियल है, जो आपके बुक्स लिखते हैं, तो उसके लिए एक आप कह लें कि ये थ्रेट हो सकता है या ऐसी कोई चीज़ आपको लगता है कि आपको अफेक्ट करती हैं वो चीज़ें जो डिजिटल मीडिया है? अच्छा, ऐसा कभी नहीं होगा। जो बुकिश फॉर्म है ये सदियों तक कायम रहेगी। ये और बात है कि नई से नई तरक्कियाँ होती चली जाती हैं, जैसे पहले पत्थरों पर, लकड़ी पर, इसी तरीके से खाल पर चीज़ें लिखी गईं, लेकिन उसके बाद कागज़ आ गया और कागज़ अब ये सदियों से कागज़ मौजूद है और ये रहेगा, पूरी दुनिया में ये फॉर्म रहेगी। लेकिन जो डिजिटल फॉर्म आ गई है बहुत अच्छी बात है, वो उससे एक्सेस बढ़ गई है हमारी और ज़्यादा आसान हो गया, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि ये ख़त्म हो जाएगा। जो इससे मोहब्बत है कागज़ से, अखबार मैं डिजिटल फॉर्म में भी पढ़ता हूँ, लेकिन मैं जब तक अखबार कागज़ पर ना पढ़ूँ मुझे सुकून नहीं आता। किताब को जब मैं इस फॉर्म में ना पढ़ूँ मुझे सुकून नहीं आता, हालांकि मैं उस किताब को डिजिटल फॉर्म में पढ़ लेता हूँ। लेकिन जो किताब से मेरी मोहब्बत है वो उस वक्त से है जब मैं अपनी दर्सी किताबों को पढ़ते पढ़ते सरहाने के नीचे रख के सोता था, तो मुझे ऐसे लगता था कि मेरे दिमाग में और मेरे दिल में ये महफूज हो गया है। तो ये मोहब्बत पैदा करने की ज़रूरत है, जब तक ये मोहब्बत रहेगी किताब ख़त्म नहीं होगी। तो क्या लगता है आपको ऐसी मोहब्बत कैसे पैदा की जा सके? मतलब मैं भी चाहूँगा कि मेरे में भी ऐसी मोहब्बत आए। अच्छा। तो कैसे पैदा की जा सके ये मोहब्बत? इल्म हासिल करने की जस्तजू पैदा करती है। ये हमारे वालदैन का सबसे पहला काम है कि वो बच्चे में इल्म का अदब और मोहब्बत पैदा करें, उसके साथ ही असातिज़ा का काम है, फिर मुआशरे का काम है, फिर सियासतदानों का काम है कि वो इल्म से मोहब्बत का रुझान डेवलप करें और साबित करें कि वो वाकई इल्म और किताब से मोहब्बत करते हैं। जब वो अमली तौर पर ये साबित कर देंगे, जैसे ये किताब का मेला सजा है, ये एक अमली शक्ल है उस मोहब्बत के इजहार की। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप यहाँ तो मोहब्बत का इजहार करें लेकिन बहुत सारी ऐसी जगहों पर जहाँ पर अमली तौर पर कॉन्ट्रीब्यूट करने की ज़रूरत है वहाँ पर ना करें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें छोटे छोटे स्कूलों में ऐसे फार फ्लंग एरियाज़ जहाँ पर इल्म हासिल नहीं हो रहा, स्कूल नहीं है, बच्चे महरूम हैं, फीसें अदा नहीं कर सकते, वो यूनिफॉर्म नहीं कर सकते, उनको स्कूल तक एक्सेस हासिल नहीं, वहाँ तक पहुँचाना हमारा काम है। और किताब और मार के और डांट के कभी इल्म आगे ना बढ़ाएं, वो उन बच्चों को इल्म से, किताब से और तरक्की से दूर कर देगा, वो उनमें एक रिएक्शन पैदा कर देगा। हमेशा मोहब्बत के साथ आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच सर, सो नाइस ऑफ यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? शुक्र है अल्लाह का, बिल्कुल ठीक। अच्छा, सर ये जो कौमी किताब मेला लगाया गया, 10वां सालाना ये मेला है, तो आप खुद राइटर भी हैं, तो यहाँ पे इस तरह के जो मेले हैं, इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, आप यूथ में ख़ास तौर पे क्या देखते हैं कि बुक्स का अब भी इंटरेस्ट आप देखते हैं लोगों में? देखें बेटे, बात यह है कि मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि जो किताब मेला है ना, इसका जो 99% बेनिफिट है ना, ये मेरी जनरेशन को नहीं है, ये मेरी आने वाली जनरेशन को है। वो इसलिए कि मैं जो हूँ उस जनरेशन से हूँ जिसका किताब से, कागज़ से, कलम से रिश्ता था। मतलब मैं किताब जो है ना, कागज़ वाली प्रिंटेड किताब पढ़ने वाली मेरी जनरेशन है। मुझे अभी भी टैब पर, टैबलेट पर, अपना ये जो कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे कोई चीज़ पढ़ने का मज़ा नहीं आता। लेकिन जो अब नई नस्ल है वो इससे दूर होती जा रही है। तो जो ये इस किस्म के जो किताब मिले हैं, इनका बुनियादी जो फ़ायदा है वो सिर्फ और सिर्फ आने वाली जनरेशन के लिए है। और मैं समझता हूँ कि ये आने वाली हमारी जो नस्ल है उसको किताब के साथ मुंसलिक रखने का बहुत बड़ा ज़रिया है और बहुत बड़ी ये कंट्रीब्यूशन है।
सर इसमें एक ये चीज़ कि हम लोग जो मोबाइल में पढ़ लेते हैं, टैबलेट में या लैपटॉप में नॉवेल्स, अब भी बच्चे पढ़ते हैं लेकिन वो प्रेफर करते हैं कि मोबाइल में लैपटॉप में इन चीज़ों में पढ़ लें, लेकिन जो चीज़ हम बुक से पढ़ते हैं, जो रिटन होती है, वो जो हम पढ़ते हैं हमेशा याद रहती है, हमेशा कभी भी वो चीज़ भूलती नहीं है। तो आपको क्या लगता है इस मेले में जहाँ पे इतने सारे राइटर्स ने अपनी बुक डिस्प्ले की हैं, तो लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, तो इंटरेस्ट तो है जो ले रहे होंगे? इंटरेस्ट तो डेफिनेटली है, मैं लेकर कह रहा हूँ कि ये मेरी जनरेशन जो है ना, वो लोग आप देख लें बहुत सारे लोग आ रहे हैं लेकिन उनके साथ बच्चे आ रहे हैं। मुझे असल खुशी ये है कि जो स्कूल के बच्चे, कॉलेजेस के बच्चे आ रहे हैं, जो माँ बाप के साथ आ रहे हैं, ये वो असल इसका जो टारगेट है ना, मैं समझता हूँ कि फ्यूचर के हवाले से अगर देखा जाए तो वो आने वाली नस्ल इसका टारगेट है, तो उसको ये फुलफिल कर रहे हैं और ये पूरा हो रहा है। सर अपनी लिखी हुई कोई लाइन, कोई शेर कुछ सुना दें आप। बीबी अपनी लिखी लाइन तो ये तो मैं वही बात है, ये लिखी हुई चीज़ें तो नहीं है ना, ये तो आपको बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब पे मिल जाएंगी। तो हम आज जो यहाँ आए हैं हम किताब के लिए आए हैं। हर सर कुछ सुना दें अपनी किताब में से। उसका रिश्ता ना होने का बायस उसका अब्बा था, सब हरियान थे, उसने ऐसा अब्बा कहाँ से लबा था। थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जुनेद अहमद। अच्छा जुनेद, मुझे बताएं कि यहाँ पे आप आए हैं आज इस मेले में, तो आप बुक्स वैसे कोई ली हैं आपने बुक्स? जी मैंने जो है डिफरेंट स्टॉल से 6 से 7 बुक्स ली हैं और अपने इंटरेस्ट के मुताबिक, उसके अंदर जो हैं मतलब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी हैं, फिक्शन से रिलेटेड भी हैं और रिलीजन से रिलेटेड भी हैं। अच्छा यहाँ पे एक तो मैं खुद देख रही हूँ बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन लोगों की देखने में मिल रही है, तो आज के दौर में भी लोग बुक्स पढ़ते हैं? वैसे मोबाइल में आपको हर बुक मिल जाती है, तो आज भी वैसे इंटरेस्ट मुझे यहाँ आके तो बड़ा खुशी हो रही है कि इतने सारी जो है ना पार्टिसिपेशन यहाँ पे लोगों की देखने को मिल रही है, तो आपको क्या लगता है लोग अब भी बुक्स में इंटरेस्टेड होते हैं, पढ़ते हैं, बुक्स से ही पढ़ना पसंद करते हैं? एक्चुअली देखिए हमें इस चीज़ को ना अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि बुक्स जो है ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, कि बुक्स को ज़रूरी नहीं है कि मतलब जो है पेपर की फॉर्म के अंदर ही मतलब पढ़ा जाता है, इसको आप जो है इंटरनेट वर्जन और इसके जो है ऐप्स के थ्रू और वेबसाइट के थ्रू भी लोग इलम हासिल करते हैं, और किताबों के जो PDF और ऑनलाइन वर्जन भी होने चाहिए, ताकि अगर आपके पास टाइम नहीं है या वो पर्टिकुलर किताब जो है महंगी है तो आप उसको ऑनलाइन बाय करके इकोनॉमिकल प्राइसेस के अंदर उसको पढ़ सकें और अपने जो बेसिक पर्पज़ है किताब का, इलम को फैलाना, उसको इंजॉय कर सकें। लेकिन एक चीज़, जो चीज़ें हम मोबाइल से या लैपटॉप से जो हम बुक्स पढ़ते हैं वो हमें इतनी अच्छी तरह से याद नहीं रहती जो हम बुक खोल के और उसमें से पढ़ते हैं। ये चीज़ एक तो हमें, ये एक इन्फॉर्मेशन हमारे पास बहुत ज़्यादा रहती है और एक हमारी मेमोरी में रहते हैं जो हम बुक से पढ़ते हैं, तो आपको ये नहीं लगता कि बुक्स अगर हम पढ़ेंगे तो हमारे पास सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन भी होगी और अच्छी सही सॉलिड इन्फॉर्मेशन होगी? डेफिनेटली ये चीज़ तो है कि किताब से जो आप चीज़ पढ़ते हैं वो आपके जो है जहन में ज़्यादा देर रहती है, क्योंकि जब आप उसको फिज़िकली मतलब देख रहे होते हैं और पढ़ रहे होते हैं तो ये चीज़, किताब का पढ़ना और मतलब जो है इंटरनेट से पढ़ना, वो मतलब जो है दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं, और किताब से पढ़ा आपको ज़्यादा देर याद भी रहता है। मैं इस चीज़ से बिल्कुल आपसे मुतफिक करता हूँ और मैं अपने मतलब सुनने वालों को भी ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप भी जो है एक किताब पढ़ें और रात को जो है रोज़ाना के बेसिस के ऊपर किताब का मुतालिया किया करें अपने इंटरेस्ट के मुताबिक। आपको क्या लगता है कि यूथ को किस तरह बुक रीडिंग की तरफ लाया जा सकता है? बुक यूथ को जो है बुक रीडिंग की तरफ लाने के लिए हमें वैसे ही एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी जैसे बाकी जो हैं डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, और उनको इस चीज़ के अंदर उनका इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा किताब के ज़रिए, कि किताब से जो है उनके इलम में कितना इजाफा हो रहा है, और जब तक ये चीज़ उनको रियलाइज़ नहीं करवाई जाएगी मतलब इंटरटेनिंग वे के अंदर, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो मेरी जो भी जितने भी लोग ये बात सुन रहे हैं अरबाब इख्तियार के, किताब के ज़्यादा से ज़्यादा जो हैं इवेंट्स करवाए जाएं और उसको इंटरटेनिंग बनाया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे और बड़े मतलब जो हैं उन फंक्शंस को जो है इंजॉय कर सकें। ठीक है, थैंक यू। जी तो नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सुलेमान जाज़िब, जो कि एक मशहूर और मरूफ राइटर हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? सर मैं ठीक अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपको तो कौमी कुतुब मेला में खैर आई। सर बस जी आप देखें ना कि मैं तो यही बोलूँगा कि आप जाएँ जहाँ हमें पाएँ वहाँ देख लें, लेकिन आपका अदबी ज़ौक लगता कोई ख़ास लगता नहीं है कि आप किताबों की दुनिया के बादशाह भी नहीं है और वज़ीर भी नहीं है और मशीर भी नहीं है, फिर भी किताबों को कवर करने आ गए। सर जो भी है लेकिन लगाओ तो है ना, लगाओ तो है ना,
लगाव है, तो आज इस मुकाम तक पहुंच के आपके सामने खड़ा हूं। काफ़ी देर से देख रहा था आप लोगों से यही क्वेश्चन करते जा रहे हैं, किताबों से लगाव है, किताबों से लगाव नहीं है, यहाँ पे किताबें हैं, यहाँ पे किताबें नहीं हैं। ठीक है, आप किताबें पढ़ते हैं, आप किताबें लिखते हैं, आपने कभी कोई किताब पढ़ी है, कभी किसी शायर को पढ़ा है? सर मैंने पढ़े, मैंने इलामा इकबाल साहब को पढ़ा है, और जो खास तौर पे जो हफीज़ जलंधरी साहब हैं उनको पढ़ा है। उनको तो मैं कहता हूँ पाकिस्तान के एक बच्चे ने पढ़ा होगा, एक एक बच्चे ने पढ़ा होगा। क्या आप ये देखिए, चलें अगर इतना ही है, मैं आपको एक शेर भी अर्ज़ कर देता हूँ उनका, कि वो एक शेर उनकी तरफ से जो हमें बार बार पढ़ाया गया था बार बार, कि इश्क को भी इश्क हो तो फिर मैं देखूँ इश्क को, इश्क को भी इश्क हो तो फिर मैं देखूँ इश्क को, कैसे रोए कैसे तड़पे इश्क अपने इश्क में। देखें जी, ये होती है किताबों की तासीर और शायरों का पैगाम। बिल्कुल, थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि शायरों का पैगाम पहुंचता कैसे और याद कैसे होता है, वो ऐसे होता है जैसे आपने सुनाया है। वो हफीज़ जालंधरी को लें, इलामा इकबाल को लें, साहिर लुधियानवी को लें, उसके अलावा मोहसिन नकवी को लें, अहमद फराज को लें, फैज़ को लें, परवीन शाकिर को लें, ये वो लोग हैं जिनका कलाम लोगों को ऐसे ही याद है जैसे आपको याद है। बिल्कुल ऐसे ही, जितने भी लोग आपको नज़र आ रहे हैं, हज़ारों लोगों ने कल विज़िट किया, सैकड़ों लोग आज मौजूद हैं, और कल छुट्टी है, कल भी यकीनन जो है यहाँ पे लोगों की तादाद ज़्यादा होगी, तो ये किताबों से मोहब्बत करने वाले हैं, किताबों को पढ़ने वाले हैं। लोग मायूस होते जा रहे हैं कि लोग किताबों की तरफ नहीं आते, लोग लिखने की तरफ नहीं आते, लोग पढ़ने की तरफ नहीं आते। लोग ना तो लिखने से दूर जा रहे हैं, ना पढ़ने से दूर जा रहे हैं, मीडियम बदला है। पहले इधर हाथों में किताब खोल लेते थे, डिजिटल में डिजिटल मीडिया हो गया, वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो लैपटॉप पे, अपने मोबाइल पे, अपने क्या कहते हैं उसको टैब्स पे पढ़ते हैं, ऑनलाइन लाइब्रेरीज में चले जाते हैं। वो कहते हैं 400 की किताब लेनी है, अच्छा 400 की मेंबरशिप ले लो, 400 किताबें पढ़ी हैं। ठीक है, तो ये सिलसिला बदला है, रब्त बदला है, रब्ता नहीं टूटा। सर एक और चीज़ मैं आपसे पूछूंगा कि मैंने इधर देखा माशाल्लाह कि बड़े ओवरसीज़ भी इधर आए हुए हैं, ठीक है, और आप भी माशाल्लाह खुद जो आपकी बुक्स भी हैं वो बाहर भी पब्लिश होती हैं और वहाँ भी लाइब्रेरीज में पाई जाती हैं, तो जैसे यहाँ पे ये कौमी किताब मेला हो रहा है, क्या उधर ओवरसीज़ या जो आउट ऑफ कंट्रीज़ है वहाँ पे भी ऐसा मेले वगैरह होते हैं, देखने को मिलते हैं वहाँ पर? जी बिल्कुल, वहाँ पे जैसे मैं अभी मुत्तहिदा अरब इमारात में होता हूँ, यूएई में, दुबई में है, शारजा में, शारजा में एक बुक फेस्टिवल होता है। शारजा का बुक फेस्टिवल दुनिया का तीसरा बड़ा फेस्टिवल है, जिस तरह के यहाँ पे सेमिनार्स हो रहे हैं, वर्कशॉप्स हो रही हैं, मुख्तलिफ राइटर्स को बुलवाया जा रहा है, प्रोग्राम हो रहे हैं, सेम इसी तरह का दो हफ्तों का एक वहाँ पे कुतुब मेला लगता है इंटरनेशनल लेवल का, जिसमें पूरी दुनिया से शायर अदीब तो आते ही आते हैं, हज़ारों की तादाद में पब्लिशर आते हैं, जहाँ पे मुख्तलिफ ज़बानों की किताबें आपको मिलती हैं, इंग्लिश, उर्दू, स्पेनिश, फ्रेंच, हिंदी, और मतलब कि जो आपका टेस्ट है, जैसा टेस्ट है, आपको वो किताब वहाँ पर मिलेगी। और यही बात होती है कि वहाँ पर लोगों का रुझान ज़्यादा होता है। तो मैं अभी कुतुब मेला में आया हूँ, कौमी कुतुब मेला है, बड़ा अच्छा है, यहाँ पर उर्दू के अलावा इंग्लिश है। अगर कुछ लोगों को रीजनल लैंग्वेजेस की किताबों को भी इसमें जगह दी जाए तो यकीनी तौर पर इसमें और चार चांद लगेंगे, लेकिन ये जो मौजूदा कोशिश है ये भी बड़ी शानदार कोशिश है। तो सर एक और जो मेरा आपसे क्वेश्चन है वो ये बड़ा पर्सनल सा क्वेश्चन है कि मैं जब भी देखता हूँ ना या कोई ऐसी शायरी पढ़ूंगा या ऐसी मैं कोई गज़ल कोई बुक पढ़ूंगा, मैं ये सोचता हूँ कि क्या जो शायर होता है वो हमेशा क्या अपने जो उसके दिल के अंदर जो उसका अपना दिल चाह रहा होता है, जो उसकी अपनी मर्जी होती है, सोच होती है, थॉट्स, उनको सोच कर लिखते हैं सर, या वो आवाम को देखकर उनके ख्यालात जज्बात को देखकर लिखता है? मुझे काइंडली ये चीज़ क्लियर करें। बेसिकली जो शायर होता है ना वो एक फनकार होता है, फनकार होता है, वो जैसे पेंटर होता है ना वो भी एक फनकार है, शायर भी एक फनकार है। शायर हसास होता है, आप यहाँ पर खड़े हैं, आपको लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, ठीक है, आपका रद्देअमल क्या होगा, आप उसको रोक देंगे, शायर शेर कह देगा, ठीक है जी, आप जा रहे हैं, आपने देखा कि जनाब सड़क टूटी हुई है, ठीक है, आप क्या करेंगे, आपको जो फीलिंग आ रही होगी ना आप उसका इजहार उस तरह कर देंगे। अगर शायर के पास वो फीलिंग होगी, टूटी हुई रोड पे जा रहा होगा और झटके लगेंगे और उसकी तकलीफ होगी जिस्म में, तो वो फिर वो उसी को शायरी बना देगा। बिल्कुल ऐसे ही, दिल टूटेगा तो यकीनन दिल की शायरी लिखेगा, अगर वो किसी से इश्क करेगा तो इश्क की शायरी लिखेगा। तो ये बेसिकली जज्बात होते हैं, जज्बात को लेकर जो है वो एक शायरी जो है वो लिखी जाती है, और उसके बाद जो है आपका मुशाहिदा होता है, आप चीज़ों को देखते हैं। आप इस कुतुब मेले में आए हैं, आप इससे बड़े कुतुब मेले में जाएंगे तो यकीनी तौर पर आपको जो है मज़ा आएगा, आप देखेंगे कि जनाब इसमें तो पहले से ज़्यादा है। ये होता है मुशाहिदा, दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो आपको उसमें मज़ा भी आएगा। और जो राइटर होता है वो नसर निगार नसर लिख देता है, शायर जो होता है वो शायरी लिख देता है, और ड्रामा निगार उसी को ड्रामा बना देता है, अफसाना निगार अफसाना बना देता है। सर सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो मच सर, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, मुझे बहुत अच्छा लगा, और गुफ्तगू भी आपसे अच्छी रही, और यकीनी तौर पर एक और मुलाकात भी होगी। थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम?
تاج محمد میمن. اچھا تاج صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آج اس قومی کتاب میلے میں آپ آئے ہیں تو آپ نے کوئی بکس لی ہیں؟ میں اس سے پہلے کل سے لے کے میں روزانہ آ رہا ہوں, آج بھی آیا ہوں اسی سلسلے میں. ہمارا خود کا اسٹال لگا ہوا ہے جس کا نام ہے سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ, سنا, اس کی میں نمائندگی کرتا ہوں, سنا, ایز اے بی پی ایس 19 آفیسر, سنا. تو بہت اچھا لگا یہ ایونٹ کو جو ہے نا اٹینڈ کر کے, سنا. ماشاء اللہ کل بھی پریزیڈنٹ صاحب آئے تھے ہمارے اسٹال کو, جو ہے نا بڑا انہوں نے اپریشیٹ کیا تھا. اور ماشاء اللہ جو یہاں پہ جو گیدرنگ آج کی جو ہے نا ماشاء اللہ, اور ایسی چیزیں جو ہے نا ہونی چاہیے, سنا. اچھا سر یہ چیز کہ یہاں پہ لوگوں کی بہت زیادہ تعداد میں دیکھ رہی ہوں, جس میں ینگ یوتھ بھی ہے, ینگسٹرز ہیں, کچھ ایج کے مڈل ایج کے لوگ ہیں, کچھ بہت زیادہ ایج کے لوگ بھی ہیں, تو ہماری جو یوتھ ہے اس کو خاص طور پہ بک ریڈنگ کی طرف کیسے لایا جا سکتا ہے؟ کیونکہ وہ پریفر کرتے ہیں موبائل فون میں, ٹیبلٹ میں یا لیپ ٹاپ میں بک پڑھ لیں, بک ریڈنگ وہ نہیں کرتے. حالانکہ اگر بک ریڈنگ کی جائے تو جو آپ بک سے پڑھتے ہو وہ آپ کو یاد رہتا ہے بہت ٹائم تک, اس کے باوجود یوتھ بک ریڈنگ کی طرف نہیں آتی. تو کیا ایسے اسٹیپس لیے جائیں جس کی وجہ سے ہماری یوتھ بک ریڈنگ کی طرف آ جائے؟ اصل میں کیا ہے کہ اگر ہم جو ہے نا نئی جنریشن جو ہے نا اس چیز پہ جو ہے نا فوکس کرے کہ ایک چیز ہے کہ ہمارے یہ فنکشنز ہوتے رہیں, ایسے مانا یہ ایونٹس ہوتے رہیں گے, اور تقریباً جو ہے نا کو ہمارے ینگ جنریشن اس کو فالو کرتے رہیں گے, تو میرے خیال میں کہ وہ اس کے بجائے اس کی توجہ دینے کے بجائے اس سلسلے میں کچھ نہ کچھ مانا بہتری آئے گی. سنا اچھا آپ نے بھی بتایا کہ یہاں پہ آپ نے اسٹال لگایا ہوا, تو آپ کے یہاں آپ کے اسٹال میں اب تک کتنے لوگ, مطلب کتنے ینگسٹرز نے آ کے بکس آپ سے خریدی ہیں؟ ہمارا خریداری کا وہ نہیں ہے اسٹال, کیونکہ گورنمنٹ کا اسٹال ہے, کیونکہ ہم ہیں سندھ ٹیکسٹ بورڈ کی طرف سے نمائندگی کر رہے ہیں. لیکن جو بھی ہے وہاں پہ آیا بڑی رش رہی ہے, وہاں پہ نوجوان ہو, بڑا ہو, چھوٹا ہو, ہر طبقے کا جو لوگ ہیں نا وہ دیکھتے ہیں, بڑے اپریشیٹ کیے ہیں ہمارے ہر کتاب کے ٹائٹل کو. تقریباً کافی ٹائٹلس ہیں ہمارے پہلی کلاس سے لے کے انٹر تک, سنا. مطلب اس طرح کے جو میلے ہیں وہ پھر اس میں یہ ہے کہ بہت زیادہ لوگوں کا انٹرسٹ ہے, لوگ آ رہے ہیں, تو کم سے کم زیادہ نا اگر ایک بک تو بندہ لے ہی لیتا ہے, تو ایک بک بھی پڑھ لے تو اس کے علم میں کتنا زیادہ اضافہ ہوتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے. بالکل ہونی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے. اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ان کا جو ریڈنگ کا جو کیپیسٹی ہے وہ بھی بڑھے گی, سنا, وہ پڑھائی کی طرف رجحان ہوگا. اور ہم نے یہ اسی سلسلے میں ہی سنا یہ چیز انسٹال کرنے کا مقصد یہ کہ ابھی کا نہیں ہے, ہم کافی سالوں سے یہ انسٹال یہاں پہ لگا رہے ہیں. اور ہم نے دیکھا ہے کہ اس سال قومی میلے میں جو مانا زیادہ رش دیکھنے میں آئی ہے, کو میں سمجھتا ہوں کہ کافی امپرومنٹ ہے. نوجوان ہو, اسٹوڈنٹ ہو, پیرنٹس ہو, پروفیشنل ہو, جو بھی ہے سنو, تو اس سے اچھا سا. ٹھیک ہے سر, تھینک یو سو مچ. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ محمد ندیم صدیقی سر. ندیم بھائی میرا آپ سے جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ جو اس قومی جو کتاب ملا ہے اس کو لے کر کے آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو اس طرح کے جو بک فیسٹیولز ہوتے ہیں کس طرح سے وہ عوام میں فروغ پایا جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور کس طرح سے آپ کی انفارمیشن ملتی ہے ان میں یا انفارمیٹیو یہ چیز ہے, تو کیا کہنا چاہیں گے آپ اس طرح کے, کیا یہ ہونے چاہیے اور کس طرح سے یہ ایک اچھا رسپانس ہمیں ملتا ہے عوام کی طرف سے؟ سر بہتر, بہت اچھا کام ہے. اس کے ذریعے بچوں کو, بڑوں کو, سب کو ایک تو کتابوں سے آگاہی ہوتی ہے, اور ایک پلیٹ فارم پہ بہت ساری کتب مل جاتی ہیں, بے شک وہ شاعری سے ریلیٹڈ ہوں, افسانہ نگاری ہو, یا آپ کہہ لیں کہ دینی کتابیں ہوں, ساری ایک ہی پلیٹ فارم پہ مل جاتی ہیں. یہ میلے وقتاً فوقتاً ہونے چاہیے تاکہ عوام اور کتابوں کا رشتہ برقرار رہے جو دور ہوتے جا رہے ہیں. اب موبائل کا دور آ گیا, لیکن اس موبائل کے دور کے اندر بھی لوگ زندہ رہنے کے لیے کتابیں تلاش کرتے ہیں, اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ انہوں نے اتنا اچھا میلہ, اتنا بڑا میلہ سجایا جہاں پہ رعایتی قیمتوں پہ مل رہے ہیں. بلکہ چاہیے انہیں کہ ایسے پروموٹر لے کر آئیں جو پروموٹ کریں, کتابیں یہاں پہ مفت بھی تقسیم کریں تاکہ لوگ اسے استفادہ حاصل کر سکیں جو دور ہو رہے ہیں. اچھا, تو اس کے علاوہ آپ کیا کرتے ہیں؟ میں بیسیکلی تو پرنٹنگ کا کام کرتا ہوں, لیکن شاعری بھی میرا شوق ہے میں کرتا ہوں. میں نے نیشنل بک فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام سن 2008 میں غالباً کمپٹیشن ہوا تھا, اس میں میں نے اپنی کتاب بھیجی تھی کمپٹیشن میں, میرا بچپن میرے جگنو میری گڑیا لا دے, اس نے پہلی پوزیشن لی تھی. وہ تو موجودہ وقت کے اندر یہ کہ میں نے یوٹیوب چینل بھی بنایا ہے ادیب آن لائن کے نام سے, اس کے اوپر طنز و مزاح سے ریلیٹڈ کچھ ویڈیوز میں نے اپلوڈ کی ہیں اور کچھ ہونے والی ہیں. اس کچھ طنز و مزاح میں سے ہمیں آپ کچھ سنائیں ضرور, میں تو آپ سے یہ کہوں گا مجھے ضرور کچھ سننا پسند کروں گا میں. سر میرے ایک دوست نے دعوت کی تھی, میں نے اسی پہ کچھ لکھا ہے کہ جس نے دعوت کی وہی کھا گیا کھانا سارا, جس نے دعوت کی وہی کھا گیا کھانا سارا,
मैं तो सिर्फ मुंह देखता रह गया। उसने पीछे मुड़कर देखा भी नहीं। हल्की सी सीटी की आवाज़ और हवा की अमेजिश ने पल में माहौल को क्या से क्या कर डाला। हर कोई भागा दुम दबा के, जैसे इंडिया ने था बम मारा। मुझे पता है इंडिया का क्यों नाम लिया, इंडिया बम मारना, कोई और कोई मुल्क का बम हो सकता था। सर बात यह है कि हमारा पड़ोसी मुल्क है और पड़ोसी हर वक्त याद आते हैं। मुझे भी इस तंज़ो मजाक में आया क्योंकि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम एक नॉर्मल केस है, वो तो होता है यूजुअली, वो उसको मैंने ज़रा पेश किया था। तो इंशाल्लाह अगर आप मौका देंगे मैं मज़ीद सुनाऊँ। इंशाल्लाह जी, ज़रूर। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सदफ। जी मिस सदफ, क्या कहना चाहेंगे आप इस कौमी किताब मेला के बारे में कि बड़े से स्टॉल्स भी लगे हुए और तरह तरह के राइटर्स ने अपनी कंट्रीब्यूशन की है, हमारे नेशनल राइटर्स ने, और आप क्या कर रही हैं मतलब इस कौमी किताब मेला में, आपकी कंट्रीब्यूशन है? एक्चुअली हमारा स्कूल परफॉर्मेंस कर रहा है रिलेटेड टू दिस किताब पढ़ने पे, और इस तरह की परफॉर्मेंस, और अच्छा है ये कि रिलेटेड टू उर्दू है। हमने पहले जितना भी किया इंग्लिश में किया, बट ये टोटली ऑल अबाउट उर्दू है जो कि हमारी कौमी ज़बान है, और बच्चों को इसकी अवेयरनेस भी आएगी और इससे काफ़ी कुछ वो सीखेंगे। तो आपको लगता है कि इस तरह के जो फेस्टिवल्स होते हैं होने चाहिए? या एग्जैक्टली होने चाहिए और उनको नॉलेज आना चाहिए इस बारे में। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोइज़ ज़ुबैर। अच्छा मोइज़, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? मैं 9th में। अच्छा आज आप इस किताब मेले में आए हो, कैसे इंजॉय कर रहे हो इसको? बहुत एक्साइटमेंट है यहाँ, बहुत एंटरटेनमेंट भी है, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। कोई बुक ली आपने? नॉट। तो किताब मेले में आए और बुक कोई नहीं ली? अच्छा चलो क्या सुनाओगे आप? नात। चलो नात सुनाओ। सल्लल्लाहु अलैका या या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह, अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाह, बिखड़े सारे काम बनाउंदा अल्लाह ए अल्लाह ए, बिखड़े सारे काम बनाउंदा अल्लाह ए, माड़ियां दी गल बनाउंदा अल्लाह ए अल्लाह ए, माड़ियां दी गल बनाउंदा अल्लाह ए, अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाह, पत्थर दे विच कीड़ियां नूं वी फिकर नहीं, पत्थर दे विच कीड़ियां नूं वी फिकर नहीं, क्योंकि घर घर रिज़क बचाउंदा अल्लाह ए अल्लाह ए, क्योंकि घर घर रिज़क बचाउंदा अल्लाह ए अल्लाह ए, माड़ियां दी गल बनाउंदा अल्लाह ए अल्लाह ए, माड़ियां दी गल बनाउंदा अल्लाह ए। उनसा क्या कहना तुम्हारा यार, मेरा तो यकीन करो दिन बन गया आज, मेरी तो रूह खुश होगी इतने इतने अच्छे राइटर से मिले, इतने नामवर राइटर हमारे मुल्क के, नेशनल राइटर्स जो हैं बीच में, और मुझे तो ये लग रहा है कि इनफैक्ट कुछ देर में इधर रुका तो मेरा भी शायर जाग जाएगा शायद, मुझे लगता है। यही मैं कहना तुम्हें पसंद करूंगी कि अपने अंदर के शायर को अंदर तक ही रहने दो। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा यहाँ पे हमारी जितने भी लोगों से बात हुई है उन सबका यही कहना था कि इस तरह के जो किताब मेले ये होते रहने चाहिए, इससे जो हमारी यूथ है उनमें इंटरेस्ट, बुक्स का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा देखने को आ रहा है। यहाँ पे लोगों की इतनी बड़ी तादाद मौजूद है जिसमें हर तरह के लोग मौजूद हैं, हमारी यूथ जो कि बुक रीडिंग से बहुत दूर जा चुकी है, इस तरह के अगर किताब मेले होते रहेंगे जिनमें हर तरह की बुक्स मिलेंगी तो मैं भी, हमारी यूथ जब इस तरह की जगहों को विजिट करेगी तो बुक कोई ना कोई तो एक आध बुक तो खरीद ही लेगी वैसे, और अगर एक बुक भी वो खरीद के पढ़ लें तो उनमें बुक्स का, बुक रीडिंग का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा पैदा होगा। इसी के साथ अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आए लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। देखते रहिए विजन टीवी। अल्लाह हाफिज़।